नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया है। नवनियुक्त डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी पर बिहार वासियों को काफी भरोसा है। राजविंदर सिंह भट्टी एक सख्त मिजाज के आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। इनके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं। ऐसे में बिहार के सीवान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि आखिर पुलिस कहां पर सोई है। आपको बता दें कि ये वीडियो सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र की रैनी रुकुंदीपुर गांव में एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां पर युवक तमंचे पर डिस्को दिखाते हुए हाथों में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहा है। आपको बता दें कि सीवान में आए दिन आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस अपना कार्य सही से नहीं कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है। वीडियो में किस तरीके से युवक हाथों में पिस्टल लेकर डांसर के साथ तमंचे पर डिस्को कर रहा है। अगर कहीं गोली डांसर को लग जाती तब वहां पर अफरा तफरी मच सकती थी। ये खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और वैसे भी बिहार है ये तो आप भी जानते हैं कि पहले एक घटना घटती है और फिर पुलिस एक्शन में आती है। आपको बता दें कि युवक की पहचान दरौंदा थाना क्षेत्र के रैनी रुकुंदीपुर गांव के रहने वाले बच्चन ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश ठाकुर उर्फ जेपी ठाकुर के रूप में हुई बताई जा रही है। हालांकि ये वायरल वीडियो कब की है इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। सीवान से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।